आइए हम सब मिलकर ऐसे धरोहरों के बारे में आवाज उठावे ताकि अधिक से अधिक विकास कृष्ण के समय का यानी पौराणिक अवशेष आज आखिर उपेक्षित क्यों है, इसका विकास होना चाहिए ताकि ऐसे पुरानिक स्थलों को फिर से सजाया संवारा जाए ताकि आने वाले युवा सीख सके कि हमारे इस गांव में हमारे इस गांव के विरासत। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं केवल सच न्यूज से अरविंद मिश्रा। किसी भी देश का, राज का, गांव का ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक धरोहर, विरासत और गांव की संस्कृति, अपने पूर्वजों के किए कार्यों का, गांव के संस्कृति का हमें याद दिलाता है। मैं आज पुनः उस प्राचीन और ऐतिहासिक गांव ओरो में हूँ, जहां एक नहीं सैकड़ों मंदिर और ऐतिहासिक धरोहरों से सुशोभित है। ओंड्रप गांव में मैं आज एक ऐसे धार्मिक स्थल के पास आया हूँ, यह भी द्वापरकालीन भगवान श्री कृष्ण के समय का यहाँ पर एक विरासत है जिसे नाग स्थान कहते हैं। नाग स्थान के बारे में यह चर्चा रही है कि नाग देवता सदैव गांव की रक्षा करते थे, किसी भी आपदा विपदा से बचाने के लिए गांव के ग्रामीण श्रद्धा भाव के साथ नाग देवता की पूजा करते थे। दूसरी बात कि नाग देवता के बारे में कहा जाता है, नाग स्थान के बारे में कहा जाता है कि जब प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण इस रास्ते से होकर ओरो गांव होकर ओंड्रप गांव होकर पांडवों के साथ राजगीर जा रहे थे, इस स्थान पर भी वो रुके थे। यहाँ के बारे में एक दिग्घी तालाब है जो आगे है, उसके बारे में कहा जाता है कि जरासंध का घोड़े हाथी यहाँ पानी पीते थे, यहाँ अस्तबल था। और आज भी इस ओरो गांव का मिट्टी लोग अपने नए घर के निर्माण के लिए ले जाया करते थे। ये राजगीर का दक्षिण द्वार ओरो कहा जाता था। इस दक्षिण द्वार में भगवान श्री कृष्ण होते पांडवों के साथ राजगीर गए थे। जब यहाँ नवादा अपना जिला बना, यहाँ का तत्कालीन प्रथम डीएम श्री नरेंद्र पाल जी आए थे और यहाँ के विरासत को ले जाने के लिए, नाग बाबा को ले जाने के लिए पूरे दल बल के साथ आए थे और सोचे थे कि यहाँ से इस विरासत को हटाकर नवादा संग्रहालय में सारी मूर्तियों को मैं रखूँगा। लेकिन ग्रामीणों ने पूरी एकजुटता के साथ विरोध किया और ग्रामीणों के हट के आगे नवादा के डीएम नरेंद्र पाल जी यहाँ से बैरंग उन्हें लौटना पड़ा। ये ओरो गांव के महान धार्मिक स्थल है, इन नाग देवता यहाँ सदैव इस गांव की रक्षा करते हैं और नरेंद्र पाल जैसे जिलाधिकारी जब चुपचाप यहाँ से बैरंग लौट गए, तब फिर आज हमारा यह जो नाग स्थान, इस गांव का जो नाग स्थान है आप देख रहे हैं, जो ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। और यहाँ एक नहीं, ये देखिए महादेव जी की मूर्तियां हैं, ये विष्णु की मूर्तियां हैं, ये भी कई देवी देवताओं को पुरातिक अवशेष जो देख रहे हैं, एक नहीं कई देवी देवताओं का यह संग्रह है। और आज यह विरासत चीख चीख कर कह रहा है कि हमारी उपेक्षा क्यों, हमारे धरोहर, हमारे जो भारतवर्ष का जो ऐतिहासिक धरोहर है, धार्मिक धरोहर है, इसका आखिर विकास क्यों नहीं हुआ। मैं केवल सच प्रेस के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्री नीतीश कुमार जी को, बिहार के कर्मठ ऊर्जावान पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री नीतीश मिश्रा जी को, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को मैं कहना चाहता हूँ कि ओरो गांव का जो ये विरासत है, जो ये उपेक्षित है, जहाँ भगवान कृष्ण के समय का यानी पौराणिक अवशेष आज आखिर उपेक्षित क्यों है, इसका विकास होना चाहिए ताकि ऐसे पुरानिक स्थलों को फिर से सजाया संवारा जाए ताकि आने वाले युवा
सीख सके कि हमारे इस गांव में, हमारे इस गांव के विरासत हमारा कितना पुराना रहा है। जरूरत है सरकार को, प्रशासन को, जो ऐसे उपेक्षित जो क्षेत्र है, ऐसे जो पुरातनिक और धार्मिक स्थल है, उसका विकास होना चाहिए। इस रास्ते से कई गांव के ग्रामीण सहतपुरा से लेकर नारदीगंज तक भी जाते हैं। एक अच्छा शेड नहीं है गर्मी के दिनों में, यहाँ पर शेड में विश्राम किया जाए। चापाकल भी है तो समझिए को मृत प्राय ही है कि लोग अपनी प्यास भी बुझा सके। दर्जनों गांव के ग्रामीण इस रास्ते से होकर जाते हैं। ऑनड्रॉप नवादा में ही नहीं, पूरे बिहार में भी अपना एक स्थान है। आप भी आइए कभी ओड़ो गांव। और नाग स्थान ही नहीं, यहाँ कई धार्मिक स्थलों को आप भी देखने का आपको मौका मिलेगा। आइए हम सब मिलकर ऐसे धरोहरों के बारे में आवाज उठावे ताकि अधिक से अधिक विकास हमारा इस पौराणिक स्थल का हो सके। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो कहते थे कि यहाँ पर कई घड़ा भी अंदर गड़ा हुआ है, पता नहीं। ये तो सरकार को ऐसे विरासत को बचाने के लिए जिम्मेदारी लेना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी लेना चाहिए। मैंने तो केवल सर प्रेस के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ उठाया हूँ। आप सब भी आगे आइए अपने धरोहरों को बचाने के लिए। केवल सच न्यूज़ से अरविंद मिश्रा।